मैं अभी खड़ा हूँ पार्क सर्कस गुरुद्वार में, गुरु रविदास जी का मंदिर पर। फिलहाल अभी मेरे सामने मौजूद है भीम आर्मी का संस्थापक श्रीमान चंद्रशेखर आजाद रावण जी। उन्हीं के जुबान से जान लेंगे, क्या आप पहली बार बंगाल में आए हैं क्या? हाँ, मैं पहली बार बंगाल में। जय भीम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ठीक है, तो मैं बंगाल के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूँ। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद। यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है और क्या महसूस हो रहा है? देखिए, बंगाल खुद में क्रांति धरा है, तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ गुरु घर हम लोग आए हैं, गुरु जी से मुलाकात हुई है, साथियों से मुलाकात हुई है, तो यहाँ संघर्षशील लोग हैं। अब उनमें जो नौजवान है उनको ऊर्जा देके यहाँ और मिशन मूवमेंट को मजबूत करना है। आप बंगाल में कैसे भीम आर्मी का तैयार कर रहे हैं और हमसे क्या उम्मीद करते हैं? भीम आर्मी बंगाल में बहुत मजबूत होने वाली है, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं उनके हौसले बड़े मजबूत हैं, और यहाँ का जो पुराना कैडर है साहब काशी राम के समय का, तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। वो उनका आशीर्वाद रहेगा, उनकी दिशा रहेगी, और युवाओं की का जोश रहेगा, तो आने वाले समय में, क्योंकि बड़ी आबादी जो है बहुजनों की यहाँ है, तो यहाँ बहुत बड़ी ताकत जो है भीम आर्मी बन जाएगी। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी जानते हैं और जोगेंद्रनाथ मंडल के भी जानते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा, तो जोगेंद्रनाथ मंडल को लेकर पूरे देश में भी चर्चा हो रहा है, और आपका क्या रहा है इसमें? देखिए, उस समय जो कार्य किया गया जोगेंद्रनाथ मंडल जी द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा, वो उसी की देन है कि भारत का संविधान लिखा गया। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन सभा में पहुँचे, तो बड़ा बड़ा एक काम जो है यहाँ इस धरती से हुआ था। तो हमें उम्मीद है इस धरती से, इसलिए मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ से जो है उपजाऊ फसल आगे भी निकलेगी। तो बंगाल से भी सब लोग कहते हैं कि भीम आर्मी को जी जान लगा के काम करेगा, तो इसके बारे में आप हमें क्या मैसेज देंगे और आपके कैसे सपोर्ट मिलेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ कि बहुजन राज आए, बहुजनों बहुजन स्वराज आए, बहुजन जाग रहा है, पूर्ण स्वराज मांग रहा है, नारा जो है भीम आर्मी का है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जब हम यहाँ बेहतर काम करेंगे, जो सामाजिक मुद्दे हमारे हैं, जो सामाजिक शोषण होता है, जिस तरह से पूरे अधिकारों में हमारी कटौती की जा रही है देश के अंदर, तो जब हम गंभीरता से उन मुद्दों पर काम करेंगे, जो एट्रोसिटियों के मुद्दों पर काम करेंगे, तो ज़्यादा बड़ा परिवार जुड़ेगा, और आने वाले समय में कोलकाता के साथ पूरे वेस्ट बंगाल में भी भीम आर्मी प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक जो बहुजन समाज घर है वहाँ तक पहुँचने का काम करेगी, उनके मुद्दों पे उनकी हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आपको जानकारी दे रहा हो कि बंगाल में भी हम सभी ने मिलकर एक सोशल मीडिया ओसू टीवी का तैयार कर चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या राय है? देखिए, वर्तमान में देश का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो तो बिका हुआ है, तो वो हमारी खबरें नहीं दिखाता, तो ऐसे में सोशल मीडिया ही और ये जो बहुजन मीडिया, यही हमारी ताकत है। मेरी तो आपके लिए मंगल कामनाएं, और मैं ओशो टीवी के लिए मेरी मंगल कामनाएं, और निवेदन करूंगा पूरे देश से और बंगाल के युवा साथियों से कि वो इसको और मजबूत बनाएं, खूब लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये आने वाले समय में आपकी ईमानदारी की और सच्चाई की आवाज़ को उठाने का काम करें। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, फ्यूचर आपका जो है ओशो टीवी का ब्राइट। बंगाल में हम सभी को कौन सा पार्टी चुनना है और किसको वोट देना है, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, बंगाल का पॉलिटिकल सिनेरियो मुझे नहीं पता है, मैं हमेशा से बहुजन समाज के साथ खड़ा हूँ, तो मेरे पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज को मजबूत किया जाए, तो मैं पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ चेक करूँगा। मेरा प्रथम दायित्व एट प्रेजेंट टाइम में संविधान की रक्षा के लिए भाजपा को हराना, तो जब भाजपा जैसी ये तानाशाही सांप्रदायिक सरकारें सत्ता से बेदखल हो जाएंगी, संविधान सुरक्षित रहेगा, तो आने वाले समय में हमारे युवा राजनीति भी कर पाएंगे। तो पूरा भारत में भीम आर्मी का गठन किस तरह कर रहे हैं और आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति अब ये बचा के रखनी पड़ेगी, कुछ तो हम अपने पास रख लें। अभी गठन इसलिए चल रहा है कि ग्राउंड लेवल पे काम, जब पूरे देश में अगर किसी भी एक गांव में भी कोई घटना हो, भीम आर्मी का उद्देश्य ये है कि उसकी जानकारी हमें लग जाए, तो हम उस पर अच्छा बेहतर काम कर सकें, जो अधिकारी कर्मचारी हमारे लोगों को न्याय न दे रहा है उसकी उससे बात कर सकें, इसलिए इसका गठन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है, और रणनीतियाँ जो है आगे जब दोबारा आपसे मुलाकात होगी फिर आपको बताई जाएंगी। जय भीम, जय भीम आर्मी। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। शुक्रिया, मंगल कामना। बापन दास, ओसू टीवी, पार्क सर्कस, कोलकाता।